इसका कंसेप्ट मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने खुद ने योग के बारे में जाना और इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। क्योंकि सब लोग स्कूल से लेके कॉलेज से लेके आपके घर में सब जगह पर सिर्फ आपको बाहरी चीज को ठीक करने के लिए बताते हैं। बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो मम्मी बोलेगी ध्यान लगा, ध्यान लगा के पढ़, ध्यान लगा के पढ़। लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि ध्यान कैसे लगाए। अगर हमारे साथ कुछ इंसिडेंट बन जाता है जो नहीं होना चाहिए, या किसी ने हमको कुछ बोल दिया, या कहीं पर हमारी इंसल्ट हो गई, ऐसी कुछ भी परिस्थिति आई लाइफ में, कोई डिफिकल्टी आई जो हमें कुछ अचीव करना है लेकिन हम नहीं कर पा रहे, तो उस वक्त आपके दिमाग में जो मेंटल स्ट्रगल है उसको ओवरकम करके जो बाहर आना है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ना स्कूल में कभी उसका लेक्चर होता है, ना कॉलेज में, ना घर में। तो हर जगह पर सिर्फ बाहरी चीजों को ठीक करने के लिए बताया जाता है। बच्चा घर से निकलता है तो बोलते हैं कपड़े बराबर पहन, बाल बराबर बना। क्यों? क्योंकि बाहर लोग हैं, वो देखेंगे। बच्चा कुछ करता है ऐसा नहीं करने का, ऐसा करने का। क्यों करने का? किसी के पास आंसर नहीं है। योग के अंदर इन सारे सवालों का जवाब है। अगर आप सही में इसको जानने को उत्सुक हो और अपने जीवन में इसको उतारने को उत्सुक है,